और उधर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भले ही अपने समर्थकों से हर हर मोदी के नारे ना लगाने की अपील की है, लेकिन इस नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल साधु संतों के विरोध के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोदी के समर्थन वाले इस नारे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी नारे वाले पोस्टर पर कालिख पोत दी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने इस नारे को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नारा बताया। एक दिन पहले इलाहाबाद में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के हर हर मोदी के नारे के खिलाफ दलदल मोदी थर थर मोदी लिखा पोस्टर जारी किया था। तो आपको बता दें, एक दिन पहले द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस नारे पर आपत्ति जताई थी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात भी की थी। शंकराचार्य की आपत्ति के बाद मोदी ने ट्वीट कर समर्थकों से इस नारे से परहेज करने की अपील की थी और अब समाजवादी पार्टी मोदी के समर्थन वाले इस नारे के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। हालांकि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये नारा उनका नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज फिर ट्वीट कर कहा कि ये नारा उनकी पार्टी का नहीं है। तो हर हर मोदी के नारे से बीजेपी खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वाराणसी की गलियों में हर हर महादेव की जगह इन दिनों हर हर मोदी घर घर मोदी ये नारा खूब गूंज रहा है और इसी पर पलटवार कर रहे हैं सियासी दल समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता जो आज सड़कों पर उतरे नाराजगी इनकी हर हर मोदी नारे के खिलाफ। महादेव का अपमान बता रहे हैं ये लोग हर हर मोदी नारे को, क्योंकि हर हर महादेव का जयकारा जय घोष इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में अपनी नाराजगी का इजहार किया नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स पर कालिख पोस्टर और जवाब में एक नारा गढ़ा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये नारा जो समाजवादी पार्टी ने गढ़ा है वो है डर डर मोदी थर थर मोदी। तो हर हर मोदी का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से नया नारा देकर की गई है थर थर मोदी डर डर मोदी।